प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑन फॉर्मूला मेकिंग विदाउट वॉइड्स पार्ट 2। अब आ जाओ, इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चंस है, ध्यान देना। अ कंपाउंड फॉर्म्ड बाय एलिमेंट्स x एंड y हैज अ क्यूबिक स्ट्रक्चर इन व्हिच x एटम्स आर एट द कॉर्नर्स एंड एट द फेस सेंटर्स। अब दो जगह हैं x, अभी तक जो भी क्वेश्चंस किए उसमें x y a b जो भी थे वो पर्टिकुलर एक एक जगह पे थे, अब मल्टीपल जगह पे है। जैसे x कहाँ पे है, x है मेरा कॉर्नर्स पे भी है और साथ साथ में कहाँ पे फेस सेंटर्स पे भी है, ठीक है। और y कहाँ पे प्रेजेंट है, बॉडी सेंटर पे और एच सेंटर पे। y मेरा प्रेजेंट है बॉडी सेंटर और कहाँ पे प्रेजेंट है, एज सेंटर, ठीक है। अब क्या करना है मेरे को, बस आगे का पूरा प्रोसेस सेम है, उसमें कुछ चेंज नहीं है। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स निकालना है, कॉर्नर का शेयरिंग 8 into 1/8, फेस सेंटर का 6 into 1/2, कितना आ गया 4, ठीक है। y का कितना हो गया, बॉडी सेंटर पे 1 into 1 प्लस एच सेंटर पे 12 into 1/4, अगेन कितना आ गया 4, ठीक है। तो z इफेक्टिव टोटल कितने हो गए, टोटल एटम्स 4 plus 4 दैट इज 8 इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स। सेकेंड पार्ट, टोटल एटम्स x के कितने हैं, 8 और 6, बस यही है जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, यही टोटल एटम्स है ना। 8 और 6 कितना 14 और y के कितने 1 plus 12 दैट इज 13, है ना। इसे टोटल कितना हो गया 14 plus 13 दैट इज 27। फॉर्मूला हमेशा आंसर में एम्पेरिकल फॉर्मूला लिखना है, एक्स टू वाई का रेशियो क्या है 4:4, है ना। इसे 1:1 हो जाएगा, फॉर्मूला क्या बन जाएगा एक्स वाई, ठीक है। ये भी इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, अब थोड़ा सा अपन डिफिकल्टी लेवल राइज करते हैं। आ जाओ, कंपाउंड फॉर्म्ड बाय एलिमेंट्स एक्स एंड वाई हैज अ क्यूबिक स्ट्रक्चर इन विच एक्स आर एट द कॉर्नर्स एंड फेस सेंटर्स, वाई एट बॉडी एंड एच सेंटर्स, वो तो सेम है। इफ ऑल द एटम्स आर रिमूव्ड फ्रॉम वन ऑफ द बॉडी डायगोनल्स ऑफ द क्यूब इंक्लूडिंग कॉर्नर्स ऑल्सो, यही मैं तुमको बताना चाह रहा था उस टाइम पे। किसको रिमूव कर रहे हैं, कॉर्नर्स को भी रिमूव कर रहे हैं इस बार। देन कैलकुलेट इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स एंड फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, कहना इसे इस टाइप का फिगर आ जाएगा। ये 3 एटम्स ही होंगे ना जो रिमूव होंगे, बॉडी सेंटर पे तो बॉडी डायगोनल पे तो 1 एटम होता है बॉडी सेंटर का और 2 कॉर्नर्स वाले भी रिमूव होंगे। तो कहना इसे इस बार एक्स पे क्या फर्क पड़ेगा, 6 कहां से आया, 2 एटम्स कम हो गए कॉर्नर्स के, कितने बच गए 6। क्या मैं बोल सकता हूं फेस सेंटर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कितना आ गया ये 3/4 + 3, कितना हो गया ये 15/4। सिमिलरली कहना है इसे y में बॉडी सेंटर पे कोई फर्क पड़ेगा, हाँ बॉडी सेंटर एक भी नहीं रहा तो 0 into 1, एक ही बॉडी सेंटर होता है वो जा चुका है, प्लस 12 into 1/4, कितना आ गया ये 3। तो कहना है इसे टोटल कितना हो जाएगा 15/4 + 3, एलसीएम लूंगा मैं, आंसर क्या आ जाएगा 27/4। सेकेंड पार्ट एकदम ईजी है, सेकेंड तो एटम्स ऐड करो 6 + 6 + 0 + 12 और 12 कितना आ गया 24। थर्ड पार्ट में देखो फॉर्मूला x is to y क्या बन जाएगा 15/4 = 3, कटाइए, ठीक है। क्या आ गया 5:4, फॉर्मूला क्या बन जाएगा x 5 y 4। और अगर मैं मॉलिकुलर फॉर्मूला बनाता तो क्या बनता 15:12, वही आंसर में दिया हुआ 15:12। बट अपने को हमेशा क्या करना है, ट्राई करना है कि हम क्या लिखें एम्पेरिकल फॉर्मूला। दोनों करेक्ट है वैसे, बट ऑप्शंस के हिसाब से डिपेंड करेगा कि ऑप्शन में क्या दिया है। बाय डिफॉल्ट अपने को हमेशा ट्राई करना है एम्पेरिकल फॉर्मूला लिखने का। फिगर से तुमको सब कुछ क्लियर होगा, आने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं मोस्टली सब में फिगर्स हैं, फिगर को देख के अच्छे से समझना, सारा कुछ समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन, कंपाउंड फॉर्म्ड बाय एलिमेंट्स एक्स एंड वाई। अगेन सेम क्वेश्चन है, एक्स फेस सेंटर और कॉर्नर पे, वाई बॉडी सेंटर एच सेंटर पे, लेकिन इस बार जितने भी एटम्स थे एक फेस पे वो रिमूव कर दिए। ऐसा क्वेश्चन अभी अपन ने पार्ट 1 में किया था जिसमें हमने ये देखा था कि एक फेस पे कितने एटम्स होते हैं 5, एक फेस सेंटर का और 4 कॉर्नर्स के। क्या मैं बोल सकता हूँ उसका इस टाइप का फिगर आ जाएगा, वही जो टॉप व्यू तुम लोगों को दिखाया था। अब आ जाओ फर्स्ट में, जेड इफेक्टिव एक्स, क्या मैं बोल सकता हूँ 4 कॉर्नर चले गए 4 into 1/8 बचा, प्लस एक फेस सेंटर भी गया 5 into 1/2, कितना आ गया ये 1/2 + 5/2, मतलब कितना आ गया ये 3। और y का वैल्यू क्या मैं बोल सकता हूँ चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा 4 जो फर्स्ट पार्ट में निकाला था अपन ने, याद हो अगर तो, कैसे 1 into 1 + 12 into 1/4, 4 निकाला था ना, क्योंकि ना बॉडी सेंटर का कोई एटम जाएगा ना एच सेंटर का कोई एटम जाएगा, सिर्फ कौन जाएंगे फेस सेंटर के जो एटम्स है वो रिमूव होंगे। फॉर्मूला क्या बन गया, मतलब टोटल z इफेक्टिव कितना हो गया 7। सेकेंड पार्ट, अब नेक्स्ट बोला है इसने क्या किया हमने, टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए 4 + 5 + 1 + 12, कितना आ गया ये 12 और 10 22। थर्ड पार्ट, एक्स टू वाई का रेशियो क्या है 3:4, मतलब फॉर्मूला क्या बन जाएगा x3/4। ये भी इजी है, इसमें भी कुछ नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं अपन। इफ ऑल द एटम्स आर रिमूव्ड फ्रॉम वन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द मिडल ऑफ द क्यूब, बाकी पूरा पार्ट सेम है, x वही कॉर्नर फेस सेंटर पे, y वही बॉडी और एज सेंटर पे। अगर मैं सारे एटम्स को रिमूव करूं एक ऐसे प्लेन से जो मिडल ऑफ द क्यूब से पास कर रहा है, लाइन नहीं बोला है इस बार। हमने सेम एक क्वेश्चन पार्ट 1 में किया था जिसमें एक हमने बोला था एक्सेस थी जो एक्सेस पास कर रही थी मिडल ऑफ द क्यूब से, ये क्या बोला है प्लेन पास कर रहा है। एक बार इसका फिगर देखो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। क्या बोल सकता हूं ये प्लेन होगा जो कहां से पास कर रहा है, जिसने क्या बोला है कि इट इज पासिंग थ्रू द मिडल ऑफ द क्यूब, मतलब एक ऐसा प्लेन जिसका सेंटर बॉडी सेंटर है। इस प्लेन का सेंटर क्या है बॉडी सेंटर है। ये जो ब्लैक में एटम्स है ये एज सेंटर के एटम्स है, जो रेड में है वो फेस सेंटर्ड है और जो येलो में है वो क्या है बॉडी सेंटर्ड है। क्या मैं बोल सकता हूं कि जब भी मैं इनको रिमूव करूंगा, पहले तो अपन ये देख लेते हैं कौन कौन से फेस सेंटर के आइटम्स हैं। मैं उनको ब्लू में सर्कल करता हूं। ये वाला फेस सेंटर का आइटम है, टॉप फेस का, ये वाला बॉटम फेस का, ये दोनों इंक्लूड होंगे। ये वाला जो है आइटम ये क्या है बैक फेस का है, इस वाले फेस का। और ये वाला जो आइटम है ये किसका सेंटर है, ये जो फ्रंट फेस है, जो ये लाइट ब्लू में बना हुआ है, ये फ्रंट फेस का आइटम है। तो मैं बोल सकता हूँ 4 फेस सेंटर के आइटम्स आएंगे। अब हमेशा जब भी फेस सेंटर के आइटम्स आते हैं तो उनको जो पास करती हुई लाइन है वो दोनों को जब ज्वाइन करूंगा तो मैं बोल सकता हूँ एच सेंटर के भी आइटम्स आएंगे। एच सेंटर के आइटम्स कितने में आएंगे, कितने आएंगे एच सेंटर के, ग्रीन में दिखाता हूं मैं 1, 2, 3 और 4, ये चारों के चारों क्या है एच सेंटर के आइटम्स है। मतलब टोटल जो रिमूवल है वो कितने का है, 4 फेस सेंटर्स का है और 4 एच सेंटर्स का है और 1 बॉडी सेंटर का। बस इतना पता पड़ जाए उसके बाद तो अपना क्वेश्चन आसान है। आ जाओ एक बार वापस, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट जेड इफेक्टिव, कॉर्नर्स पे कोई फर्क पड़ा नहीं, मिडल से जब भी पास करेगा कॉर्नर आएगा ही नहीं उसमें। तो 8 × 1/8। क्या फेस सेंटर पे फर्क पड़ा, हाँ। फेस सेंटर के एटम्स कितने थे टोटल 6, जिसमें से 4 रेड वाले रिमूव हो गए, कितने बचे पीछे 2 × 1/2, कितना आ गया एक्स का वैल्यू 2। सिमिलरली वाई, वाई के अंदर कितने एटम्स थे, बॉडी सेंटर पे 1, वो तो गया 0 × 1, बॉडी सेंटर वाला तो गया। एज सेंटर पे कितने थे 12, 12 में से 4 गए, पीछे कितना बच गए 8 × 1/4, कितना आ गया ये 2। कहने से z इफेक्टिव का टोटल वैल्यू कितना हो गया 2 + 2 दैट इज इक्वल टू 4। सेकेंड पार्ट टोटल एटम्स, वो तो सिंपल है, मेन फर्स्ट पार्ट ही है, बाकी तो सारा पार्ट ईजी है, कुछ नहीं है उसमें। कितना आ गया ये 8 + 2 + 0 + 8, कितना आ जाएगा 18। थर्ड एक्स टू वाई का रेशियो क्या है 2:2, फॉर्मूला क्या आ गया xy, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान देना। मेन मेरे को ये समझना जरूरी है कि कौन सा प्लेन कटेगा। जो भी प्लेन मिडल ऑफ द क्यूब से पास करता है वो हमेशा 4 फेस सेंटर और 4 एज सेंटर के एटम्स को लेके जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पे अपन चलते हैं। कंपाउंड फॉर्म बाय एलिमेंट्स एक्स एंड वाई हैज अ क्यूबिक स्ट्रक्चर, वही अगेन उसी का पार्ट है। तो एक्स बॉडी, एक्स कॉर्नर्स और फेस सेंटर पे, वाई बॉडी और एज सेंटर पे। ऑल द एटम्स आर रिमूव्ड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सेस पासिंग थ्रू वन ऑफ द फेस सेंटर्स ऑफ द क्यूब। इस बार किसकी बात की है, एक्सेस की बात की है, तो इसमें इतना प्रॉब्लम नहीं है। एक्सेस जो पास करेगा, याद है वही पार्ट 1 में जो क्वेश्चन था जो फेस सेंटर के दोनों आइटम्स को हटा रहा था, लेकिन उस क्वेश्चन में बॉडी सेंटर पे कोई आइटम नहीं था, लेकिन इस बार बॉडी सेंटर पे भी है। तो बोल सकता हूँ 1 बॉडी सेंटर का और 2 फेस सेंटर के जाएंगे, मतलब एक्स में क्या हो जाएगा 8 × 1/8 तो रहेगा ही, 2 फेस सेंटर के चले गए 4 × 1/2, कितना आ गया 3। वाई में क्या होगा, 1 ही बॉडी सेंटर पे था वो चला गया 0 × 1 प्लस 12 × 1/4, ये भी कितना आ गया 3। तो टोटल कितना हो जाएगा z इफेक्टिव 3 + 3 दैट इज इक्वल टू 6। सेकेंड पार्ट ईजी है, सेकेंड में तो कुछ नहीं है, 8 + 4 + 0 + 12, 12 और 12 कितना आ जाएगा 24। थर्ड पार्ट एक्स टू वाई का रेशियो क्या है 3:3 दैट इज अगेन इक्वल्स टू 1:1, फॉर्मूला क्या आ जाएगा एक्स वाई। जब भी एक्सेस से पास करने वाला क्वेश्चन आता है वो इजी आता है, लेकिन जो प्लेन कट करने वाला होता है वो डिफिकल्ट आता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन नहीं, इस बार थोड़ा सा चेंज आ गया। अब क्या बोला है, एटम्स जो प्रेजेंट है एक्स के कॉर्नर्स पे है और ऑल्टरनेट फेस सेंटर पे है। ऑल्टरनेट का मतलब अपने को पता है ना, ऑल्टरनेट का मतलब क्या होता है ऑपोजिट, एक छोड़ के एक, ठीक है। वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑल्टरनेट फेस सेंटर तो मेरे को समझ में आता है कैसे होता है। लेकिन अब वाई के लिए प्रॉब्लम है, इसको समझना। इस क्वेश्चन में ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई बॉडी सेंटर पे है और ऑल्टरनेट एज सेंटर पे है। कैलकुलेट इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स, फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। अब इस फिगर को देखो, अगेन येलो में बॉडी सेंटर, रेड में ऑल्टरनेट एज सेंटर कैसा है अभी बताता हूं, और ब्लैक में क्या है ऑल्टरनेट फेस सेंटर। ऑल्टरनेट फेस सेंटर का मतलब तो ये हो गया ना फेसेस कितने ऑल्टरनेट हो सकते हैं, दो ही, क्योंकि एक प्लेन में दो ही फेस हैं टोटल। जैसे मैं ये देखूं, ये दोनों ऑपोजिट फेस हैं, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट फेस हैं। उसने क्या बोला है कि जो एक्स प्रेजेंट है वो कहां पे, ऑल्टरनेट फेस सेंटर्स पे। तो एक्स कहां पे प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है। अब ऑल्टरनेट एज सेंटर्स हमेशा क्या होती है, ये हमेशा ध्यान रखना, ऑल्टरनेट एज सेंटर्स आर एक्चुअली ऑल्टरनेट एज सेंटर्स ऑन ऑल्टरनेट फेसेस। जो भी हमने दो ऑल्टरनेट फेस लिए हैं उसके जितने भी ऑल्टरनेट एज सेंटर है, समझना एक चीज, ऑल्टरनेट वर्ड दो बार यूज हो रहा है। ऑल्टरनेट एज सेंटर का मतलब क्या हो गया कि जो भी ऑल्टरनेट फेस सेंटर है मेरे, उनके ऑल्टरनेट एजेस के सेंटर पे जो एटम है, ऑल्टरनेट फेस सेंटर ये दोनों हो गए, ये दोनों फेसेस देखने, इनके भी जो एज सेंटर के एटम्स है वो एज सेंटर के एटम्स क्या होने चाहिए, ऑल्टरनेट होने चाहिए। क्या बोल सकता हूँ, ये वाला एक एज सेंटर का एटम आएगा, अगली ये एज है इसके सेंटर पे आएगा, लेकिन ये तो रेगुलर हो गया, मेरे को क्या देखना है इसका ऑपोजिट, तो इसके ऑपोजिट ये आ गया, इसके ऑपोजिट ये। तो एक बेसिक सी चीज है कि हर फेस के अंदर एक फेस सेंटर होता है, ठीक है, और चार एज सेंटर होते हैं, लेकिन दो ऑल्टरनेट एज सेंटर होते हैं। तो अगर ऑल्टरनेट फेस सेंटर बोला है मतलब दो फेस इंक्लूड किए हैं, तो इनटू 2 कर दो, वो मेरे को क्या दे देगा, ऑल्टरनेट एज सेंटर। सो कहना ऐसे, बस इतना पता पड़ गया, उसके बाद क्वेश्चन में कुछ नहीं है। जेड इफेक्टिव एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, कौन है कॉर्नर्स पे, कॉर्नर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 8 into 1/8 प्लस ऑल्टरनेट फेस सेंटर 2 into 1/2, 6 नहीं है इस बार, कितना है, दो ही एटम्स है, ब्लैक में जो बना हुआ है कितना आ गया ये 2। वाई का वैल्यू कितना होगा, बॉडी सेंटर पे 1 प्लस, ये डायग्राम ध्यान रखना, अभी रिमूवल वाले क्वेश्चंस भी करेंगे, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है जिसमें कोई भी एटम रिमूव नहीं किया है। कितने बच गए, मतलब कितने हैं, रेड में कितने हैं 4, 4 into 1/4, ये भी कितना आ गया 2। सो कहना ऐसे टोटल जेड इफेक्टिव कितना हो जाएगा, 2 + 2 दैट इज 4। सेकेंड पार्ट एटम्स कितना हो गए, 8 + 2 + 1 + 4 कितना आ गया 15। थर्ड पार्ट आंसर क्या हो जाएगा, x is to y will again come out to be xy, 1:1 का रेशियो आएगा। ये सब एटम्स प्रेजेंट थे उसके हिसाब से हमने किया, बाकी एटम्स प्रेजेंट ही नहीं है, सारे एज सेंटर पे नहीं है इस बार, कहाँ पे ऑल्टरनेट एज सेंटर पे, इसलिए यहाँ पे कितना वैल्यू लिया है 4। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। वही क्वेश्चन है, ऊपर का सारा पार्ट यहाँ तक कॉमन है। अब मेन कहानी स्टार्ट होती है। All the atoms are removed from one of the plane passing through the middle of the cube, which contains atoms both on the edge center as well as on the face center. Again ये figure देखोगे तो सब clear हो जाएगा। हमने क्या किया, एक plane से remove किया है, ऐसे plane से remove किया है जो middle of the cube से pass करा है, मतलब corners पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसके अंदर जितने भी edge center और face center के atoms है वो सब include होने चाहिए। क्या मैं बोल सकता हूँ, ये figure आ जाएगा। Plane को ध्यान दो, ये जो black में बना हुआ है plane, इस पे ध्यान दो। मेरे को क्या करना है, फेस सेंटर और एज सेंटर उस प्लेन के अंदर है, इस तरीके का प्लेन सेलेक्ट करना है, यही प्लेन सेलेक्ट होगा। इसमें देखो चारों रेड आ रहे हैं और दोनों ब्लैक आ रहे हैं, बस फिगर जैसे ही समझ में आ गया क्वेश्चन खत्म है। उसके बाद फिर तो माइनर कैलकुलेशंस है। एक्स का वैल्यू क्या हो गया, कॉर्नर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ा, बॉडी सेंटर पे कितने थे, बॉडी सेंटर पे सॉरी ऑल्टरनेट फेस सेंटर पे कितने थे, दो आइटम्स, लेकिन दोनों जा चुके हैं ना, गया 1। वाई, वाई में क्या क्या था, बॉडी सेंटर था, गया वो भी, फेस सेंटर थे वो भी गए, कितना आ गया 0। सो कहना ऐसे टोटल जेड इफेक्टिव कितना हो गया 1 + 0 दैट इज इक्वल टू 1। सेकेंड पार्ट क्या बोला, टोटल एटम्स कितना हो गए 8, सिर्फ कॉर्नर्स प्रेजेंट है बाकी सब गए। थर्ड फॉर्मूला क्या हो गया, x is to y, क्या बोल सकता हूँ y है ही नहीं, y के तो एटम्स कितने हैं 0, फॉर्मूला क्या हो जाएगा x कितना है x 1, आंसर इज। तो इसीलिए वो क्लियर है क्वेश्चन में, प्लेन अपने को अपने हिसाब से सेलेक्ट करना है, उसमें पूरा हिंट दिया हुआ है। क्या करना है, प्लेन अपने को ऐसे सेलेक्ट करना है जो एज सेंटर और फेस सेंटर दोनों के एटम्स कंटेन करे। ठीक है, ये सारा पार्ट अपना यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। अगेन सेम क्वेश्चन है, ऑल्टरनेट एज सेंटर तक। इफ ऑल द एटम्स आर रिमूव्ड फ्रॉम वन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द मिडल ऑफ द क्यूब, यहाँ तक भी कॉमन है, व्हिच कंटेन्स एटम्स ओनली ऑन द एज सेंटर एंड नॉट ऑन द फेस सेंटर। देखो फिगर, इस बार क्या बोला है, सीधा क्लियर शब्दों में बोला है। डायग्राम अगर नहीं भी बनाते हो तब भी आंसर तो निकाल सकते हो, बट फिर भी समझना जरूरी है, क्योंकि अभी क्वेश्चन किस टाइप का है कुछ कह नहीं सकते हम। इसके अंदर क्लियरली बोला है ना उसने, क्या किया है कि कि इस बार उसने बोला है कि मिडल ऑफ द क्यूब से ही प्लेन बनाया, लेकिन ऐसे एटम्स को रिमूव किया है जो एच सेंटर पे हैं, फेस सेंटर पे नहीं है। तो मतलब फेस सेंटर पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कहना ऐसे एक्स का वैल्यू कॉर्डिनेट्स पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, और जो फेस सेंटर के एटम्स हैं जो ब्लैक में बने हुए वो भी रिस्टोर हो गए। कितना आ गया 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 2 वाई 0 × 1 + 0 × 1/4। एच सेंटर और बॉडी सेंटर तो गया ना, फिर से क्या आ गया 0। जेड इफेक्टिव कितना 2, सेकेंड टोटल एटम्स 10 और फाइनली थर्ड फॉर्मूला क्या हो जाएगा x2। फिर से y कितना है 0, x के नीचे क्या आ जाएगा 2। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, क्लियरली जो उसने बोला है उसके हिसाब से फिगर इमेजिन करो। ये फिगर्स बनाना बहुत डिफिकल्ट है, खुद सोच के फिगर बनाना पड़ेगा तुमको, प्लेन वगैरह बनाना बहुत डिफिकल्ट है, पहले ही बोल रहा हूँ मैं, तो अच्छे से सोच के बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगेन सेम वही उसी का क्वेश्चन है, लेकिन इस बार क्या बोला है कि ऐसे एटम को रिमूव किया है जो ना एच सेंटर का एटम ऐसे प्लेन से मिडल ऑफ द क्यूब से पास करवाया है जो ना एच सेंटर का एटम रखता है ना फेस सेंटर का एटम रखता है। फर्स्ट वाला फिगर याद है तुमको जिसमें ये समझाया था मैंने सारा, इसमें देख लो ये वाला प्लेन लिया है मैंने, सिर्फ कौन गया है बॉडी सेंटर का एटम, मतलब एक्स का वैल्यू क्या हो गया 8 × 1/8 प्लस कितना है फेस सेंटर के एटम्स कितने 2 × 1/2 दैट इज इक्वल टू 2, और वाई कितना हो गया बॉडी सेंटर पे रहा 1 × 1 और प्लस एच सेंटर वाले तो सॉरी बॉडी सेंटर वाला तो रिमूव हो गया ना, बॉडी सेंटर वाला तो रिमूव हो गया, कौन रह गया अब एच सेंटर वाले। एच सेंटर वाले कितने रह गए 4 × 1/4 दैट इज इक्वल टू 1। जेड इफेक्टिव टोटल कितना आ जाएगा 2 + 1 दैट इज इक्वल टू 3। टोटल एटम्स कितने हो गए 8 + 2 + 4 आ गया 14, और फॉर्मूला क्या हो जाएगा x2y का 2:1 दैट इज x2y। ठीक है, एकदम इजी क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। यहाँ पे जाके अपना जो पार्ट 1 है दैट इज फिनिश्ड। यहाँ पार्ट 1 के बेसिस पे आप लोगों को जो भी होमवर्क मिलेगा वो आपको प्रॉपरली करना है। ये पूरा अच्छे से वीडियो एक एक क्वेश्चन खुद देख के, वीडियो को देख के पूरा सॉल्व मत करना। एक बार आप भले कर सकते हो, लेकिन एक बार कम से कम सिर्फ आप क्वेश्चन नोट करके सोल्यूशन आप नोट मत करना, आप खुद सॉल्व करके डायग्राम बनाने का ट्राई करना, उसके बाद ही ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जेईई नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, थैंक यू।